राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर यानी लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। ओडिशा से बीजेपी के सांसद भर्तृहरि मेहताब ने फिलहाल ये पद संभाला है। लोकसभा के सत्र के मद्देनजर फिलहाल उन्हें नियुक्त किया गया है। अगले स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति तक वो सदन के स्पीकर की सभी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये बताया कि 7 बार के लोकसभा सदस्य रहे भर्तृहरि मेहताब नए सांसदों को शपथ भी दिलाएंगे और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक पीठासीन अधिकारी के रूप में काम भी करेंगे। हालांकि भर्तृहरि मेहताब के नाम पर विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर संसदीय मानदंडों के उल्लंघन की बात कही है। कांग्रेस ने बीजेपी के सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने अपने 8 बार के सांसद कोडिकुनील सुरेश के बजाय मेहताब को अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर संसदीय मानदंडों को नष्ट करने का प्रयास बताया है। वहीं अब सुरेश ने भी कई आरोप लगा दिए। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था। बीजेपी ने ऐसा करके दिखा दिया कि वो संसदीय प्रक्रियाओं की अनदेखी करना जारी रखेगी, जैसा कि वो पहले भी 2 बार करती आई। भर्तृहरि मेहताब को अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के 1 दिन बाद कांग्रेस के नेता कोडिकुनील सुरेश ने यह भी कह दिया कि ये अतीत में अपनाई गई परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि यह फैसला देश में संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये संकेत देता है कि बीजेपी संसदीय प्रक्रियाओं को दरकिनार करना जारी रखेगी या अपने हितों के लिए उनका इस्तेमाल करेगी, जैसा कि उसने पहले भी 2 बार किया। सुरेश ने यह भी कहा कि इस फैसले से यह भी संकेत मिलता है कि बीजेपी विपक्ष का अपमान करती रहेगी, उसके अवसरों को छीन लेगी और उसे वो पहचान नहीं देगी जिसका वो हकदार है। बीजेपी पिछली 2 बार सत्ता में रहते हुए यही करती हुई आई है। मवेलिकरा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद ने यह भी कहा कि बीजेपी के पास सदन में अपने दम पर बहुमत नहीं होने के बावजूद, जैसा कि उसने पिछली 2 बार किया था, उसके खुद के आचरण में फिलहाल कोई बदलाव नहीं। पुरानी परंपराओं के अनुसार सबसे ज्यादा बार सांसद रहे लोकसभा सदस्य को प्रोटेम स्पीकर ही बनाया जाता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह परंपरा पहले ही अपनाई गई थी जब कांग्रेस, यूपीए, बीजेपी और एनडीए सत्ता में थे। वहीं कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुरेश को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए था क्योंकि वो 8 बार के सांसद रहे हैं, जबकि मेहताब 7 बार के सांसद हैं। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने के बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह संसदीय परंपरा के खिलाफ है। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस के कोडिकुनील सुरेश और वीरेंद्र कुमार दोनों ही अपना 8वां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। वीरेंद्र कुमार अब मंत्री बन गए हैं, इसलिए उम्मीद ये थी कि सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी के भर्तृहरि मेहताब को फिलहाल ये काम सौंपा गया। बीजेपी बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से उभर नहीं पा रही है। वो पीएम अब श्री 400 नहीं बल्कि श्री 240 है। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी अब श्री 400 नहीं है बल्कि 240 है। सुनिए जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल संसदीय परंपरा के खिलाफ है। देखिए, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन, कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। और ये स्पीकर प्रोटेम है क्या, 2 दिन के लिए है, शपथ ग्रहण समारोह के लिए है। 26 तारीख को तो नया स्पीकर का चुनाव होने वाला है, 24 और 25 को सारे सांसद शपथ लेंगे और उसकी अध्यक्षता स्पीकर प्रोटेम करेंगे। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद नियुक्त किए जाते हैं। नाउ 18वीं लोकसभा में 2 ऐसे सांसद हैं जिनका 8 टर्म हो चुका होगा। एक तो कोडिकुनील सुरेश हैं कांग्रेस के, जो ये 8वां टर्म है, और दूसरा वीरेंद्र कुमार जी जिनका भी 8वां टर्म है। नाउ वीरेंद्र कुमार जी मंत्री बन गए हैं, मंत्रिमंडल में वो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। और पिछले लोकसभा में पिछले स्पीकर प्रोटेम वही थे, 2019 में वीरेंद्र कुमार जी ही स्पीकर प्रोटेम थे और 2014 में कमलनाथ जी थे स्पीकर प्रोटेम कांग्रेस के। इस बार देखिए कोडिकुनील सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है, 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि मेहताब को जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है।
आपको बता दें कि लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और अध्यक्ष के चुनाव तक निचले सदन की सदस्यता करेंगे, यानी कि लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त करने की परंपरा 1956 में नहीं रही है, और जब सरदार हुकुम सिंह को इस पद पर नियुक्त किया गया था तभी से ये परंपरा जारी है। 1977 में डीएन तिवारी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, सदन के वरिष्ठतम सदस्य वो नहीं थे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से है और इस बार भी कुछ वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। नव निर्वाचित सदस्य 24 और 25 दोनों ही तारीखों को शपथ लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होना है। जिस तरह से विपक्ष की तैयारी नजर आती है, ऐसा लगता है कि सदन बहुत हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। हालांकि हंगामेदार सत्र रहने के संकेत इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं ने पहले ही दे दिए हैं नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर, लेकिन इस वक्त प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के साथ ही इंडी गठबंधन खासतौर से कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो नियुक्ति हुई है प्रोटेम स्पीकर की ये सही नहीं है। 8 बार के सांसद रहे सुरेश को इस पर नियुक्त होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल मेहताब ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना यह है कि मामला और कितना तूल पकड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।